जी बिल्कुल, मैं आपको बताया चलूं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं कंधकोट रेलवे स्टेशन के मकाम पर। कंधकोट रेलवे स्टेशन में जो माल गोदाम बनाए गए थे वो गुज़श्त कई सालों से खस्ता हाली का शिकार हैं। लोगों की जानिब से यहां जो है इनका जो मटेरियल थी वो भी जो है चोरी कर दी गई है। साथ साथ मैं आपको ये बताया चलूँ कि यहाँ आज से जो है आज से बीस साल कबल जो है यहाँ 5 ट्रेनें चला करते थे, यहाँ 2 मालगाड़ी थे और यहाँ सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान मुख्तलिफ शहरों में लोगों की जो है वो कारोबार होता था, मगर वो जो है अब मुकम्मल तौर पर खस्ता हाली का शिकार है और ट्रेनों की आमदरफ्त बंद होने की वजह से लोगों की जो कारोबार है वो मुअत्तल हो गए। लोग काफ़ी हद तक परेशान नज़र आ रहे हैं। मेरा कैमरा मैन दिखा सके कि ये मुकम्मल तौर पर ये नाकारा हो चुका है और यहाँ के जो मटेरियल थे वो भी जो है लोगों ने चोरी कर दी गई है, जिसके वजह से यहाँ के इंतजामिया भी जो है यहाँ खामोश तमाशा ही बनी हुई है। कंधकोट के शहरियों ने फिर फौर वफाकी वज़ीर शेख रशीद से ये मुतालबा किया है कि पहले जो 5 ट्रेनें चला करते थे और लोगों का जो कारोबार था वो बेहतर होता था, वो ट्रेनें जो है फिर से बहाल किया जाए और इस गोदाम का जो मरम्मती काम करके इसको दोबारा बहाल किया जाए ताकि लोगों का जो कारोबार है वो फिर से चल पड़े। जी